लोकसभा चुनाव करीब है और उससे पहले राजनीति गरमाई हुई है। इसको लेकर टीएमसी के नेताओं ने चुनाव आयोग कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा, साथ ही अपनी समस्याओं को रखने के लिए समय मांगा। टीएमसी नेताओं ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह से चुनाव से पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उससे टीएमसी कार्यकर्ता बहुत परेशान है। उन्होंने कहा कि उनका अगला लक्ष्य है पश्चिम बंगाल है। ये महुआ मोइत्रा तक पहुंच गए हैं और प्रचार कर रहे टीएमसी उम्मीदवारों को परेशान कर रहे हैं। सब पता चल जाएगा। तो वहीं टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा कि हम लोग बहुत विचलित और चिंतित हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के हाथों में पूरी शक्ति है और हम चाहते हैं कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। सुनिए। हम लोग बहुत विचलित हैं, बहुत चिंतित हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हाथों में सब शक्ति है, पावर है उनकी। तो हम लोग चाहते हैं वो पावर को वो इस्तेमाल करें, क्योंकि यहां देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल में कि जिसका पावर ज्यादा चल रहा है वो है केंद्रीय सरकार, और केंद्रीय सरकार आदेश देती है, निर्देश देती है, और सीबीआई, ईडी, आईटी और एनआईए ये सभी जो केंद्रीय संस्था जो है, इस समय जब निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है, हमारे सब उम्मीदवार प्रचार में व्यस्त हैं और हमारे वर्कर भी जब व्यस्त हैं, सबको जो है इस समय बुलाया जा रहा है, तदंत होगी, आना है वगैरह वगैरह, नोटिस तो चल ही रहा है। तो हमारी यही दरख्वास्त है और ये एक प्रोप्राइटी जिसको कहते हैं, ये पहले से ही एक आदत है विभिन्न इलेक्शंस में, जो इस इलेक्शन में नहीं दिख रही है, कि जिस समय निर्वाचन चलता है तब ये एजेंसियों का आना जाना कम हो जाता है, वो बाद में होगा तदंत तो रुकी हुई नहीं। अब के लिए रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को हम लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि आप थोड़ा देखिए कि इस समय इलेक्शन की जो प्रक्रिया उसको आगे चलने दीजिए। हम लोग भी चाहते हैं कि सुंदर तरीके से इलेक्शन हो, निष्पक्ष इलेक्शन हो, लेकिन अगर हमेशा देखा जाए कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है, तदंत किया जा रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो समय खर्चा हो रहा है, समय निकल जा रहा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन से हम लोग ये दरखास्त करें। दूसरी है कि तीसरी बात यह है कि पक्षपात ना हो, कोई भी पक्षपात ना हो, सामान्य तरीके से जिसको हम लोग अंग्रेजी में लेवल प्लेइंग फील्ड बोले, बंगाली में अगर बोले कि समान सुजोग सकले पाए, या हिंदी में बोले कि समान स्तर पे सब खड़े रहे। सब राजनीतिक दल का हक बनता है कि निर्वाचन में वो प्रचार करें, लेकिन इस प्रचार से हम लोग को जो विरक्त किया जा रहा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को, ये खास तौर से इलेक्शन कमीशन को हम लोग उनके नजर में लाना चाहते हैं। और जिस तरीके से एक राजनीतिक टूल, एक उपकरण के तरह व्यवहार किया जा रहा है सीबीआई, ईडी, आईटी और एनआईए को, ये तो राजनीतिक आप उनके हाथों में अस्त्र है, इसको निर्वाचन के समय व्यवहार किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन इस पर गौर रखें।